आज इस वीडियो में बात करने वाले वजन कैसे बढ़ाए, प्रोटीन पाउडर्स खत्म किए हैं, सारे अलग अलग ब्रांड्स हो गए हैं, सप्लीमेंट्स हो गए हैं, कई बार हम देखते हैं वेट गेन के ऐसे चीजों को इस्तेमाल करके प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स को इनवाइट किए, आयुर्वेद के नाम के अंडर या न्यूट्रिशन के नाम के अंडर या हर्बल के नाम के अंडर ऐसे दवाइयां लेके या ऐसे कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में आके बॉडी का नुकसान कर लेना, वजन थोड़ा बहुत 1-2 किलो बढ़ना बट बॉडी का नुकसान होना और एंटायर सिस्टम का नुकसान होना, ये सभी चीजें आपने की है। वजन बढ़ाना चाहते हैं, जिम में रिकवरी नहीं हो रही, मसल गेन नहीं हो रहा और कई बार सभी चीजों के प्रयत्न के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा, सारा डाइट फॉलो कर रहे हो, सारी चीजें फॉलो कर रहे हो, कई बार ऐसे पेशेंट्स का कहना होता है कि आयुर्वेद में वजन बढ़ाने के लिए कुछ है, तो मेरा ये जनरली कहना होता है वजन बढ़ाने के लिए शायद कुछ ना हो, एक पूरा शास्त्र बताया है, ब्रूहन चिकित्सा, इन आयुर्वेद में दो कॉन्सेप्ट है, लेखन चिकित्सा, ब्रूहन चिकित्सा, ब्रूहन की पूरी चिकित्सा बताई है कि किस तरीके से ऐसे अपतर्पणात्मक संप्राप्ति में किस तरीके से संतर्पण किया जा सकता है। आयुर्वेद में बताया संतर्पणात्मक आहार विहार, अपतर्पणात्मक आहार विहार, कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे रहते हैं जो पेशेंट को क्षय में लेके जाते हैं, कार्श्य हो जाता है, इमेसिएशन, वीकनेस और वेट लॉस हो जा रहा है, कहीं ना कहीं आयुर्वेद में जरूर बताया कि लीन, ये ओबीसी से हमेशा इंपॉर्टेंट है, हमेशा अच्छा है, बट इतना भी लीन नहीं कि जहां पर इमेसिएशन हो और जहां पर हम बाकी प्रॉब्लम्स को इनवाइट कर रहे हैं। हैविंग अ लीन बॉडी इज गुड बट बीइंग सुपर सुपर लीन इज समथिंग दैट वी मस्ट नो, दैट हमें स्ट्रक्चर एक प्रॉपर मस्कुलर स्ट्रक्चर नहीं रहना, और हैविंग अ गुड बॉडी वेट इज ऑल्सो हार्मफुल एंड ऑल्सो एन इन्विटेशन फॉर मेनी ऑफ द डिसऑर्डर्स दैट वी सी टुडेज टाइम। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले कि इफेक्टिव तरीके से वजन कैसे बढ़ाए इन सच अ वे जहां पर हमारी ओज शक्ति बढ़ रही है, एक ऐसे तरीके से जहां पर हर एक धातु पर, यानी हमारी आंखों से लेकर हमारे जॉइंट से लेकर हमारे मसल से लेकर हमारे डाइजेशन से लेकर हर एक चीज पर कार्य हो रहा है, विथ वेट गेन बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट। वी गोना अंडरस्टैंड अबाउट व्हाई एंड हाउ आयुर्वेद वर्क्स एंड व्हाई यू मस्ट चूज आयुर्वेद। Only once you're done with all of these concepts, choose Ayurveda before it's too late. Let's understand in this video. Namaste everyone, welcome to Jovi's Hospital of Ayurveda and Aesthetic Center, Mumbai. आज हम बात कर रहे हैं वजन बढ़ाने के सबसे बढ़िया तकनीक के बारे में. So यहाँ पर हमें बात करनी है कि वजन बढ़ना ये कोई एक दवा से रिलेटेड नहीं है. यहाँ पर क्यों आयुर्वेद या क्यों एक शास्त्र की जरूरत हमें लगती है, इसके बारे में छोटा सा विषय कि वजन बढ़ना यानी ये नहीं कि सिर्फ खाना और खाना और खाना. इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू ईट, इट्स अबाउट व्हाट यू अब्सॉर्ब. यू आर नॉट व्हाट यू ईट, यू आर व्हाट यू अब्सॉर्ब. अब्सॉर्प्शन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आयुर्वेद में बताया अंडर वेट या जनरली अंडर वेट होने के दो कारण, एक्सोजेनस रीजंस, एंडोजेनस रीजन. एक्सोजेनस रीजन में सबसे इंपॉर्टेंट है इनएडिक्वेसी. इनएडिक्वेसी हम बोल सकते हैं स्टार्वेशन हो, खाना टाइम टू टाइम नहीं लेना, पानी टाइम टू टाइम नहीं लेना, अल्कोहलिज्म, यहां पर हम ये भी विषय को ले सकते हैं स्टार्वेशन, कोई प्रॉपर डाइट जहां पर अपतर्पण हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, ये कारण हम ऐसे रीजंस देखते हैं जैसे कि अब्सॉर्प्शन के डिसऑर्डर्स, जैसे लैक ऑफ एंजाइम्स, लैक ऑफ अब्सॉर्प्शन, डायरिया जैसे कंडीशन जैसे कि आईबीएस, क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ऐसे कंडीशंस में वी सी आज दुनिया भर में कोई भी उपाय नहीं है. पेशेंट को 20-25-30 डायरिया के एपिसोड्स आ रहे हैं, पेशेंट को एक्सट्रीम गैस है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स है. टुडे वी आर कंसल्टिंग 50 से भी ज्यादा देशों में हम देखते हैं कि आईबीएस के प्रॉब्लम्स है, खाना खाते ही जाना पड़ रहा है, एक सिप पानी का पिया जाना पड़ रहा है, दे टेकिंग अ बनाना और बनाना मोशंस में आ रहा है, दे टेकिंग अ पीस ऑफ एप्पल, एप्पल मोशंस में आ रहा है. कई बार पेशेंट बताते वजन बढ़ाने की दवा ली पर क्या करें, दवा मोशंस में आ जाती है, कैसे होगा? यू नीड टू वर्क ऑन द रूट कॉज. सो इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर यह है कि अब्सॉर्प्शन को पहचानना और अब्सॉर्प्शन पर काम करना. सो ये एक कारण हो गया. कहीं ना कहीं एक्सेसिव मैस्टिब्रेशन, ये बहुत ही बड़ा कारण है वजन कम होने का. शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट शक्ति को शरीर से बाहर निकालना, दिन में 5 बार 6 बार, हफ्ते में 10-20 बार, हर रोज न जाने क्या क्या. एक्सेसिव मैस्टिबेशन गूगल अनुसार हेल्दी है बट आयुर्वेद हैज अ कंप्लीट डिफरेंट साइंस, उसे किस तरीके से रेगुलेट करना है और ऊर्ध्व रेति में लाना है ये पूरा एक अलग शास्त्र है. यूट्यूब पे लिखिए जोवीज एक्सेसिव मैस्टिबेशन इफेक्ट्स,
विल गेट अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दैट, आप उस वीडियो को भी देख। तीसरा कारण आयुर्वेद में बताए चिंत्य नाम चाति चिंतनात रस वहिन्य दुष्यंती, एक सबसे बड़ा कारण है। अगर स्ट्रेस है, एंजाइटी है, चिंता है, टाइम पे नींद नहीं है, वजन नहीं बढ़ने वाला। सो ऑफ कोर्स एक लीन फैट परसेंटेज, यू नो 10% बॉडी फैट, 11% बॉडी फैट इज गुड, बट मसल ही नहीं होना, बीइंग वेरी वेरी लीन इट्स नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। सो स्ट्रेस ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, और स्ट्रेस से हमें रसव स्त्रोतस की दृष्टि देखते हैं। रसव स्त्रोतस क्या है? हमारे शरीर के साथ धातु, यानी रसद रक्तम ततो मौसम मौसमेद प्रजायते। हम देखते कहीं ना कहीं रस धातु से ही रक्त धातु बनता है। रस धातु क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम अच्छे से बनी तो ब्लड सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ही मस्कुलर सिस्टम, तो ही फैटी सिस्टम। तो एक अलग अलग सिस्टम बताया। एडिपोस सिस्टम नहीं बना, एडिपोस टिश्यू बना ही नहीं, तो कैसे बनेगा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, कैसे बनेगा नर्वस सिस्टम, कैसे बनेगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हर एक सिस्टम एक दूसरे पे अवलंबन है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। सो चिंता अगर है तो पहला धातु ही बनने नहीं वाला, लिम्फेटिक सिस्टम ही नहीं बनेगा, बॉडी बॉडी को प्लाज्मा ही नहीं मिलने वाला है, लिम्फ का सर्कुलेशन होने ही नहीं वाला। सो इंपॉर्टेंट फैक्टर है रस धातु, स्ट्रेस। एंडोजेनस रीजंस पे हम काफी रीजंस देखते हैं, जैसे कि हार्मोनल डिसऑर्डर्स हम देखते हैं यहां पर, एडिसन डिजीज, थायरोटॉक्सिकोसिस हम देखते हैं यहां पर, कहीं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। दूसरा कारण हम कई बार देखते हैं कि ओरल डिसऑर्डर, जहां पर खा नहीं पा रहे हैं, पेम्पिगस वल्गैरिस, ओरल लाइकन प्लेनिस, इसोफेजाइटिस या इसोफेगस के कई डिसऑर्डर्स, हम कई डिसऑर्डर्स जैसे कि कैंसर की कंडीशन में देखते हैं, वजन कम होते जा रहा है, हम ऐसे कंडीशन देखते हैं जहां पर हार्मोनल चेंजेस के कारण प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हम ऐसे कंडीशन देखते हैं जहां पर डायबिटीज, थायराइड स्पेशली हाइपर थायराइड डिसऑर्डर्स, हम ऐसे कंडीशंस देखते हैं जहां पर हेपेटिक डिसऑर्डर्स, लिवर के डिसऑर्डर्स जैसे फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, लिवर डिसऑर्डर्स, हम कई बार हार्ट एलिमेंट्स, हार्ट एलिमेंट्स देखते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, हम कई बार मज्जा के विकार यानी नर्वस डिसऑर्डर्स देखते हैं, ऐसे कई अलग अलग विकारों में हम देखते हैं कि वजन पेशेंट्स का नहीं बढ़ रहा। सो वजन बढ़ने के पीछे तो जाना है डेफिनेटली, बट वाई आयुर्वेद? टू डायग्नोस एंड टू क्योर द कंडीशन। ये जो भी कारण हमने डिस्कस किए, इसका एक आयुर्वेदिक विचार और इसका एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जब हम करते हैं तो कॉजेस बंद होते हैं, ट्रीटमेंट होती है और वजन पेशेंट का बढ़ता है। इतना वजन बढ़ता है कि पेशेंट कहते हैं कि नहीं मेरे 6-7 किलो तो बढ़े हैं, बट आई फील एक प्रॉपर फ्लफीनेस, एक मस्क्यूलर लगना जो मुझे था, आई फील कि वो हो गया है, एंड दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। आई एम वेरी हैप्पी एंड नाउ आई लाइक टू स्टॉप द ट्रीटमेंट। द हर्ब्स, द मेडिसिन वी सी ट्रीटमेंट के बाद भी पेशेंट का वजन स्टेबल रहना। आज कई पेशेंट्स का ऐसा एक्सपीरियंस होता है, वजन बढ़ा है 10-20-30 किलो, बट बंद किया और तीसरे दिन पे सारा डाउन, तीसरे वीक पे सारा डाउन, महीने भर में सारा डाउन। दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ हैविंग अ ट्रीटमेंट। यू नीड अ ट्रीटमेंट एंड नॉट अ सप्लीमेंट। लेट्स अंडरस्टैंड ट्रीटमेंट क्या होती है। नंबर वन, निदान परिवर्तन, जो कॉजेज है, जो रूट कॉज है उसके ऊपर काम करना। सेकेंड, प्रॉपर मील इनटेक रखना। थर्ड इंपॉर्टेंट है नट्स को इंट्रोड्यूस करना, हेवी फूड आइटम्स को इंट्रोड्यूस करना, ब्रूहणीय आहार विहार के लाइफस्टाइल को में आ जाना। ब्रूहणीय आहार ऐसे फूड जो हेवी है, गुरु है, जो शरीर को बल दे रहे हैं, मस्क्यूलर मांस धातु पर जाने वाली दवाइयां हैं, ऐसे दवाइयां, ऐसे आहार को इंप्लीमेंट करना, जैसे बनाना, जैसे एग्स, जैसे के डेट्स, जैसे कि काला मुनक्का, जैसे किशमिश, जो मन पे जा रहा है, पचन पे जाना है, जो ब्रूहन भी कर रहा है, मसल पे जा रहा है और एक साउंड स्लीप भी ला रहा है। सो दिस इज स्मॉल एग्जांपल। यू स्टार्ट कंज्यूमिंग ब्लैक रेजिंस, सो ब्लैक रेजिंस कंज्यूम बिफोर गोइंग टू बेड, यू विल एक्सपीरियंस हर एक कार्य जिसे वजन कम हो रहा है उसके ऊपर जाने वाला है ब्लैक रेजिंस। सो नट्स, ब्लैक रेजिंस, वी सी द कंजम्पशन ऑफ घृता घी, चाहे वो मेडिकेटेड घी हो या काउस घी हो। वी सी द यूज ऑफ ब्रूहन बस्ती, बस्ती यानी एनेमा, यानी मेडिकेटेड एनेमा, जो वात को शरीर में कम कर रहा है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वात क्या है, वात पित्त कफ, अगर हम नेट पे डालते हैं वात एंड बॉडी टाइप, तो ऐसे पेशेंट्स जिनका वजन कम होता है ये वात प्रकृति के होते हैं, लीन होते हैं। वात यानी क्या? तो नींद नहीं आना, बहुत फास्ट होना, बार बार थॉट्स रहना, वजन कम ही होते जाना, वात इनमें ज्यादा होता है। सो आयुर्वेद में बताया वातला कर्कश स्तब्ध शूल निस्तोत पीड़िता, ऐसे स्टिफनेस, ऐसे पेन, ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन को निकालने वाला है वात की चिकित्सा। वात की चिकित्सा करिएगा।
और वात की उत्तम चिकित्सा है बस्ती चिकित्सा। आयुर्वेदिक डॉक्टर के अंडर वात की बस्ती चिकित्सा अगर हम करते हैं, ब्रुवन चिकित्सा करते हैं, तो बेहतरीन फायदा हमें मिलता है। ऐसे आयुर्वेद में बताए, बस्तिर वाते च कफ च पित्त च रक्त च शस्यते सन्निपात संसर्ग बस्तिरिव हितम सदा। बस्तिर इज ऑलवेज यूजफुल। बस्ती एनिमा कौन सा? आयुर्वेदिक डॉक्टर के अंडर वाला बस्ती। सो ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन जहां पर मिल्क घी और कुछ दवाइयां, ऐसे कॉम्बिनेशन का एक एनिमा पेशेंट को घर पे करने के लिए सिखाया जाता है, जिससे हम देखते हैं कि बस्ती जब आंतड़ों तक पहुंचती है, इट इज नॉट फॉर द क्लेंजिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। आंतड़ों में जैसे ही बस्ती जाते हैं, ओवरऑल हर एक यू नो जॉइंट पे, हर एक मसल पे, हर एक सेल पे उसका एक कार्य होता है, और उन हर एक फैक्टर पर एक कार्य होकर उसके रिजल्ट हम देखते हैं। सो आयुर्वेद द्वारा सस्टेनेबल चेंजेस व्हेन इट कम्स टू बस्ती। आज इस वीडियो में देने वाला एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये है अभ्यंग। आयुर्वेद में बताया, अभ्यंगम आचरे नित्य स जरा श्रम वातः। अभ्यंगम आचरे नित्य, नित्य यानी डेली, स जरा, जरा यानी एंटी एजिंग इफेक्ट्स, श्रम यानी वीकनेस को निकालने वाला, स जरा श्रम वातः, पूरी तरह से वात को निकालने वाला और वात को कम करने वाला यानी अभ्यंग, यानी आयुर्वेद के वात शामक तेल से अभ्यंग करना, ओवरऑल बॉडी को लगाना। Keep it for few hours overnight or immediately take a bath before bath, just abhyanga take a bath. Vat shamak tel, jise active ved india abhyanga tel, I'll put a link over here, link in the description. Shastrukt tel jo aaj duniya bhar mein available hai, jaise ke chandan bala lakshadi, chandan bala, bala guruchi adi, bala ashwagandhadi, bala tel, ashwagandhadi tel, bala ashwagandhadi tel, chandan bala ashwagandhadi tel, chandan bala lakshadi tel, aise kahi vat shamak tel jahan par bala अश्वगंधा, एक्टिवेट इंडिया, अभ्यंग तेल और कहीं ना कहीं बल देने वाले दवाइयां वाले तेल बेहतरीन फायदे। बला तेल देखिए ना क्या है, नाम में ही उसका अर्थ है, बला तेल, बल देने वाला तेल यानी बला तेल, बला अश्वगंधादि तेल, चंदन बला लाक्षादि तेल, ऐसे दवाइयों के तेल का हर रोज अभ्यंग करना और इसके बेहतरीन फायदे देखना। सो अभ्यंग माचरे नित्य स जरा श्रम वाता। एक्सरसाइजिंग मसल को फटीक करना, उसके ऊपर फीड करना मसल को, फटीक द मसल, फीड द मसल, गुड स्लीप, वर्किंग ऑन स्ट्रेस, अभ्यंग माचरे नित्य स जरा श्रम वातः, वातला कर्कश स्तब्ध शूल निस्तोत पीड़िता, बस्ती द्वारे वात को कम करना, अभ्यंग करना, हैविंग अ गुड ब्रुहन आहार, गुड डाइट, एंड अगेन वर्क ऑन द रूट कॉज। आज दुनिया भर में टैबलेट न्यूट्री वाई, न्यूट्री जी जैसे दवाइयां, प्रो एमएफ जैसे दवाइयां, अभ्यंग तेल जैसे दवाइयां आज दुनिया भर में अवेलेबल, दुनिया भर में अवेलेबल 5000 साल पहले बताए हुए दवाइयां, जैसे कुष्मांड पाक, अश्वगंधादि पाक, नरसिम्हा रसायन। अभी नरसिम्हा रसायन के बारे में ऐसे बताया है कि अगर ये दवा कोई कंज्यूम करता है तो एक्सप्लेन किया ऐसे एक कॉन्सेप्ट से कि वो बन जाता है लॉर्ड नरसिम्हा की तरह। लॉर्ड नरसिम्हा जो कि लॉर्ड कृष्णा के एक अवतार है, लॉर्ड नरसिम्हा की तरह बनना ये गुरुत्व को लेके। सो इतने बेहतरीन फायदे होते हैं आयुर्वेद के, अनगिनत दवाइयां, अनगिनत उपचार है। चूज आयुर्वेद टू सी द रिजल्ट्स, चूज आयुर्वेद टू सी सस्टेनेबल रिजल्ट्स, चूज आयुर्वेद टू सी देयर इज नो रिलैप्स एंड नो रिअकरेंस एट ऑल, चूज आयुर्वेद बिफोर इट्स टू लेट, एंड चूज आयुर्वेद वंस यू आर डन विद ऑल दिस मार्केटेड प्रोडक्ट्स एंड ऑल दिस सप्लीमेंट्स, चूज आयुर्वेद, चूज आयुर्वेद। ये था आज का वीडियो। कोई डाउट्स क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम फ्रॉम जोबीज एंड द टीम, लुक इंप्रेसिव, बी प्रोग्रेसिव।